सीटीवी के खास कार्यक्रम छोटी सादड़ी का हर गांव बदहाल, हर गांव बेहाल में हम आपको दिखाने जा रहे हैं ग्राम राजूखेड़ा के हालात। विकास के नाम पर ग्रामीणों को ठगा गया है। चुनाव से पहले बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन अगर कुछ हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ बर्बादी। देखिए झूठे विकास की पोल खोलती हुई इस खबर। न प्रधानमंत्री के आवास मिले, न उज्ज्वल योजना के चूल्हे जले, स्वच्छता के नाम पर पसरी है गंदगी, शौचालय के नाम पर खुदे हैं गड्ढे। देखिए सीटीवी पर रोज एक गांव की खबर। छोटी सादड़ी का हर गांव है बदहाल, हर गांव है बेहाल। छोटी सादड़ी में जहां विकास के नाम पर चला गया है, वहीं छोटी सादड़ी से चंद दूरी पर लगे गांव में विकास के नाम पर धोखा दिया गया है। इन गांव में ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं को तरस रहे हैं, सड़क पानी जैसी समस्याओं से परेशान हो रहे हैं। छोटी सादड़ी के ऐसे ही गांव राजूखेड़ी पहुंची सीटीवी की टीम। छोटी सादड़ी से महज 3 किलोमीटर दूर है ग्राम राजूखेड़ा। ग्राम राजूखेड़ा के साथ मंत्री श्री चंद कृपलानी ने भेदभाव किया। गांव के पास कांटे वाले बालाजी तक तो सड़क बना दी, लेकिन इस गांव तक सड़क नहीं पहुंचाई। आज भी ग्रामीणों को कच्ची सड़क पर होकर गुजरना पड़ता है। बरसात के समय तो हाल और बुरे हो जाते हैं, ग्रामीण चल नहीं पाते हैं और परेशान होते हैं। यही नहीं, ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय खेती है, लेकिन फसल का दाम नहीं मिलने से ग्रामीण मजदूरी करने पर मजबूर है। राजूखेड़ा गांव में मुख्य सड़क के पास ही अंदर कच्ची सड़क है, और इस तरह से आप देख सकते हैं कि इन कच्ची सड़क पर होकर लोग आते हैं। हमारे बीच है ग्रामीण, आप बताइए इधर तक क्या हाँ। बरसात में बनाएंगे सीसी रोड, तुम्हारा कंप्लीट हो जाएंगे। अभी तक सीसी रोड नहीं बनाए, अभी तक नहीं बना। हाँ, ये कच्चे हम पत्थर में डोल रहे हैं अभी तक। आप बताओ दादा, क्या आप कभी सिरचंद जी से देखा कि नहीं देखा? देखा श्री सिंह जी, यहाँ आते ही रहता है। कहाँ पर? बालाजी यहाँ आते रहता है। तो कभी इधर इधर गांव में? हाँ, नहीं आया, गांव में नहीं, नहीं आए। बोला नहीं आपने कि नहीं हमारे पास सड़क नहीं है, पानी नहीं है, बिजली की समस्या है? सब बोला, सबको बोला। सब आप क्या खेती करते हैं? हाँ सर, किसान है। तो कितने बीघा खेती है आपके पास? हमारे पास तो थोड़ी बहुत, डेढ़ दो बीघा जाए। तो क्या खेती होती में क्या नुकसान हो रहा है, फायदा हो रहा अभी? अब नुकसान में जा रहे हैं, घर खाने का इतना ही माल होता है, ज्यादा कहाँ से हम दानगी करके पेट भरते हैं। खेती माल एक डेढ़ बीघा में क्या होता है? धान के मतलब दूसरों का मजदूरी करने जाते हैं। अच्छा अच्छा, हुँ? आपके यहाँ भी मतलब अभी दूसरों का मजदूरी करने जाते हैं? हाँ सर। अभी मतलब क्या के सोयाबीन वगैरह कौन सी फसल उगा रखी है? अभी तो गेहूँ है। गेहूँ है, तो अभी जब पिछली बार फसल बेची थी उससे फायदा हुआ था कि नहीं हुआ था? और नुकसान ही नुकसान, लहसुन हाल तक अभी तक लहसुन पड़ी हुई है। लहसुन पड़ी है, लहसुन के क्या भाव चल रहे हैं? ये 4-5-6 रुपए किलो, और क्या 4-5-6 रुपए किलो। लहसुन और प्याज ऐसी चीज है जो लंबे समय तक नहीं रख सकते, फेंक देते हैं। हाँ। तो फेंकने सारी की स्थिति बन गई? हाँ। बन गई, अभी तो फेंकने के लायक ही हो गई वो। अच्छा अच्छा, तो यह स्थिति है छोटी सालड़ी के इन गाँव की, जहाँ पर किसान परेशान है। सड़क बिजली पानी की समस्या तो है ही है, लेकिन रोजगार के साधन भी नहीं है। बच्चा खेती किसानी का है, तो खेती किसानी छोड़ यहाँ के ग्रामीण दूसरी जगह मजदूरी करने जा रहे हैं। सीटीवी अंचल के लिए कैमरा पर्सन अजर मस्तान के साथ छोटी सरड़ी के गांव राजूखेड़ा से। ग्राम राजूखेड़ी में ग्रामीणों को ना तो प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है और ना ही उज्ज्वला योजना का। इस गांव के लोग आज भी कच्चे मकानों में रहने को मजबूर हैं। हालात यह है कि पूरे गांव में करीब 100 कच्चे मकान हैं और एक को भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। स्वच्छता अभियान के नाम पर पूरे गांव में एक भी शौचालय नहीं बना है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव से छोटी सादड़ी के प्रधान महावीर सिंह का पंचायत समिति क्षेत्र होने के बाद भी उन्होंने सुविधाओं से दूर रखा गया। मंत्री श्री चंद कृपलानी की शक्ल तो ग्रामीणों ने 5 साल पहले चुनाव में ही देखी थी, उसके बाद श्री चंद नजर नहीं आए। सीटीवी के खास कार्यक्रम छोटी सादड़ी का हर गाँव बदहाल, हर गाँव बेहाल में हम पहुंचे हैं आदिवासी ग्राम राजूखेड़ा। यह गणेशपुरा पंचायत के अंतर्गत आता है राजूखेड़ा। आप देख सकते हैं कि यह गांव में ना तो सड़क भी नहीं है, बिल्कुल कच्ची सड़क है और लोग इस सड़क से परेशान हैं। और बरसात में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है कि यहां पर पानी भर जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ सभी ग्रामीणों को नहीं मिला है। ये कच्चे मकान बने हुए हैं जिनमें आज भी लोग रहने को मजबूर हैं। पानी की समस्या ऐसी है कि ट्यूबवेल से पानी आता है, कभी आता है कभी नहीं आता है। इस तरह की सारी समस्या है।
मैं आपको कुछ ग्रामीणों से बात करते हैं, हम उनसे बात करेंगे ग्रामीणों से। जी अम्मा जी, आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ, इसी गांव में रहते हैं। क्या नाम आपका? लीला। लीला भाई, आपको प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान मिला कि नहीं मिला? अभी तो कोई नहीं मिला, इसी सरकार में तो कोई मकान नहीं आया अभी तो। कितने साल से रह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे तो घना साल हो गया मेरे को। हाँ। तो अभी इसी सरकार में नहीं आया मकान। अच्छा, और क्या समस्या है? सड़क नहीं है गांव में, पक्की रोड नहीं है। हाँ। और पानी, पानी का क्या? ये पानी का उनाले में खत्म हो जाता है पानी, ये आएगा इसी में, नाले में खत्म होता है। तो पानी के मतलब घर घर में नल कनेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है? नाली भी नहीं है, रोड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। नाली रोड वगैरह कुछ भी नहीं है। कभी सिरचंद जी आए कि नहीं आए यहाँ पे दर्शन? अभी तो मान तो देखा ही कौन, मैं तो ओड़कू भी कौन सा। अच्छा, उड़को को नहीं मतलब देखा ही नहीं उनको, सकल ही नहीं देखी? नहीं है तो कोई ओड़कांगा आया नहीं है, सकल तक नहीं देखी उनकी? नहीं देखी मैंने तो, सकल नहीं देखी। अरे भी चोर ग्रामीण है, आप बताओ आप इसी गाँव के? हाँ, मैं इसी गाँव का। क्या समस्या है यहाँ पे? यहाँ पे तो समस्या बहुत है, रोड नहीं है, पानी की समस्या गर्मी में बहुत पड़ती है, और ये मकान भी कुछ नहीं है, सब गरीब आदमी है, सब गरीब आदमी। अच्छा, आप इस गांव के? हाँ, इसी। क्या नाम है? भरत। तो ये कहाँ तक पढ़े आप? पढ़ाई वढ़ाई की कि नहीं की? की पढ़े। तो नौकरी वोकरी के चांस मिले कि नहीं मिले? कभी कुछ नहीं मिला नौकरी वोकरी चांस। नौकरी वोकरी चांस नहीं मिले? आप इस गांव के ही हैं? क्या नाम आपका? करण। करण, तो स्कूल वगैरह है कि नहीं गाँव में? यहाँ स्कूल एक है ना। कहाँ तक है? आठवीं तक। आठवीं तक है, फिर उसके बाद कहाँ जाते पढ़ने? छोटी सादड़ी। छोटी सादड़ी। स्कूल की समस्या भी है गांव में। सीटीवी के खास कार्यक्रम छोटी सादड़ी का हर गांव बदहाल हर गांव बेहाल में जब सीटीवी की टीम ने गांव का दौरा किया तो गांव बदहाल से बदतर और बेहाल से ज्यादा बदहाल मिला। ग्रामीणों को ना तो पेंशन मिलती है और ना ही राशन। गांव वाले पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। छोटी सादड़ी के नजदीक होने के बाद भी पूरा गांव समस्याओं से ग्रस्त है। गणेशपुरा पंचायत का यह गांव आदिवासी बाहुल है, इसलिए यह विकास नहीं होता है और सिर्फ भेदभाव होता है। हम पहुंचे छोटी सादड़ी से लगा हुआ यह गांव है राजू खेड़ा, जो आदिवासी गांव है, और इस गांव के में बहुत सारी समस्याएं हैं। छोटी सादड़ी के नजदीक होने के बाद भी इस गांव में समस्याओं का अंबार है। न सड़क है, बिजली की कटौती है, पानी की समस्या है, साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर यहाँ छल किया गया है। आप देख सकते हैं कि कच्चे मकानों में लोग रहने को मजबूर हैं। आप बताइए ये मकान आपका है? किनका? क्या नाम है आपका? सुनीता। सुनीता जी, तो ये जो कच्चे मकान, ऐसा कहा जाता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पक्का मकान मिलेगा, आपको मिला कभी पक्का मकान? कभी नहीं मिला। कभी कोई अधिकारी वगैरह आया यहाँ? नहीं आया। एक गैस के चूल्हे की बात की जा रही है कि एक आवास योजना के वो उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस का चूल्हा मिलेगा, तो गैस मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला। वो वाला मकान किनका? वो आपका है? क्या नाम आपका? सुनीता। इधर इधर आओ, आपका नाम भी सुनीता है? हाँ। तो आपको, आपको कभी कोई अधिकारी या कोई विधायक वगैरह आया यहाँ पे कि आपको इस प्रधानमंत्री आवास योजना में आपको मकान दिलाया जाए? जी कुछ नहीं है। कुछ नहीं आया। राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? दुकान से मतलब राशन वगैरह, गेहूं शक्कर चावल वगैरह कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है? नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता है। और क्या क्या समस्या है यहाँ पर आपके गाँव में? यही पानी, ये मकान वगैरह नहीं, सड़क नहीं, यही है। पानी कहाँ से लेकर आते हैं आप पानी? पानी वो टंकी से लेकर आते हैं, अभी तो है वर तो बाहर छोड़ हनुमान जी से लेकर आना पड़ता है। अच्छा, दो तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ता है? दो तीन किलोमीटर दूर जाना पड़ता है बाहर, और तो बाकी तो गांव में भी जाना पड़ता है। नहीं होता, भी जाना पड़ता है। तो अभी क्या, अब जब आपके गांव में इतनी सारी समस्या है, तो क्या मतलब जो मंत्री रहे यहाँ पे, विधायक रहे श्रीचंद जी, कभी आए इस गाँव में? नहीं आए कभी। कभी देखा आपने? नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। कभी नहीं देखा, ठीक ठीक। तो ये जो गांव की जो समस्या है, इससे लोग बहुत त्रस्त हैं। आप देख सकते हैं मकानों में लोग रहने को मजबूर हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर यहाँ छल हुआ है, उज्ज्वला योजना के नाम पर यहाँ छल हुआ है। छोटी सादड़ी से बस 3 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी यह गांव बदहाल है, बेहाल है। सीटीवी हलचल के लिए कैमरा पर्सन अजय मस्तान के साथ राकेश सोम। न प्रधानमंत्री के आवास मिले, न उज्ज्वल योजना के चूल्हे जले, स्वच्छता के नाम पर पसरी है गंदगी, शौचालय के नाम पर खुदे हैं गड्ढे। देखिए सीटीवी पर रोज एक गांव की खबर। छोटी सादड़ी का हर गांव है बदहाल, हर गांव है